क्रिकेट के शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाते हैं, यानी अगर हम अपने मोबाइल से ही क्रिकेट के शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहें तो हम आसानी से इजीली तरीके से हम बना पाएंगे। तो इस वीडियो में यही बताएंगे कि क्रिकेट के शॉर्ट्स वाली जो वीडियो है उसे कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में ए टू जेड बताएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगर नए यूट्यूबर्स भी है ना तो भी आप इजी तरीके से बना पाएगा क्रिकेट के शॉर्ट्स वीडियो। तो वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको चार चीजें आपको जानना होगा, यानी चार प्रकार के टूल्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट टूल्स के बारे में आपको बता दें। फर्स्ट टूल्स की आपको जरूरत होगी क्या कि न्यूज, यानी आपको न्यूज की जरूरत होगी। उसके लिए आपको करना है गूगल पे जाना है। गूगल पे आप देखते होंगे बहुत सारे पेपर वाले जो होता है पेज, जैसे दैनिक भास्कर एक हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान हो गया, बहुत सारे जो न्यूज पेपर जो होते हैं वहाँ स्पोर्ट्स वाला दिया रहता है। यानी गूगल पे जब आप जाइएगा वहाँ ऑप्शन दिया रहता है कि क्रिकेट वाला आप देखना चाहते हैं यानी पढ़ना चाहते हैं पेज को, पेपर यानी पेपर जो आता है कि मोबाइल पे ही क्रिकेट वाला पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ स्पोर्ट्स पे आप क्लिक करके आप वहाँ से एक न्यूज को जो है वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, यानी कॉपी कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप अपने डायरी पे वो जो न्यूज दिया रहता है वहाँ लिखा रहता है उसे आप नोट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट में हो गया। आपको सेकंड चीज की जरूरत है, यानी सेकंड टूल्स की आपको जरूरत होगी क्या कि फोटो यानी पिक्स की। तो आपको करना है क्या, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद अगली वहां से आपको फोटो डाउनलोड कर लेना है, यानी क्रिकेटर्स सबकी फोटो, यानी जितने भी सारे क्रिकेटर्स हैं आपको जिनका फोटो चाहिए, पिक्स चाहिए, आपको गूगल से ले लेना है। तो अगर आप गूगल से नहीं डाउनलोड करना चाहते तो हम एक ऐप के बारे में आपको बता देते हैं। उस ऐप से आप जिसका भी फोटो लीजिएगा यानी सर्च कीजिएगा, वो आसानी से सारा का सारा फोटो आपके सामने में दे देगा। डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च इमेज मैन लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने वो ऐप चले आएगा। उस ऐप से आप जितनी भी सारी फोटो लीजिएगा उसमें वाटरमार्क नहीं रहता, कोई भी फोटो वाटरमार्क नहीं रहता। और एक बात ध्यान देना है, जो भी फोटो आप लीजिएगा गूगल से उस पर वाटरमार्क नहीं रहना चाहिए, यानी वाटरमार्क फ्री होना चाहिए। यहाँ दो टूल्स के बारे में हम आपको बता दिए। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरे टूल्स के बारे में। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी आप जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं उस शॉर्ट्स वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि आप उस शॉर्ट्स वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिए। तो उस शॉर्ट्स जैसे कि कोई भी शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं क्रिकेट से रिलेटेड तो उसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिएगा तो थोड़ा सा वीडियो जो है ना थोड़ा इंगेजिंग हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, अच्छा लगता है शॉर्ट्स वीडियो देखने में, क्रिकेट का शॉर्ट्स वीडियो भी देखने में अच्छा लगता है। तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत होगी। तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, एक चैनल से यूट्यूब पे NCS का, यानी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उस पे रहता है, उस चैनल पे सारे के सारे म्यूजिक कॉपीराइट फ्री रहता है, वहां से आप ले सकते हैं। अगर इसमें आपको डाउट हो रहा है कि नहीं कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो आपको करना है कि यूट्यूब के लाइब्रेरी से भी आप कॉपी यानी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को आप ले सकते हैं। यूट्यूब के लाइब्रेरी पे बहुत सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो यहां तक हम तीन टूल्स के बारे में आपको बता दिए। अब चौथे टूल्स के बारे में आपको बता देते। चौथे टूल्स में आ जाता है कि एडिटर, काइंड मास्टर एडिटर। ये इजीली है, यानी अगर आप नया यूट्यूबर्स हैं, नया क्रिएटर्स हैं, अब वीडियो को न्यू बना रहे हैं तो आपके पास काइंड मास्टर ऐप होना चाहिए, जिससे कि होता है कि काइंड मास्टर ऐप पे आप इजी तरीके से वीडियो को एडिटिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास काइंड मास्टर ऐप है जिसपे आप वाटरमार्क आता होगा हटाने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको करना है कि फ्री वाला जो वीडियो एडिटर है उसे यूज करना है। तो फ्री वाला वीडियो एडिटर है VN वीडियो एडिटर से भी आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि VN वीडियो एडिटर से क्रिकेट वाले शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाते हैं तो हम आपको इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना के देंगे, यानी इस पे भी आपको वीडियो बना के दे देंगे कि VN एडिटर से क्रिकेट के शॉर्ट्स वाली वीडियो कैसे बनाते हैं। ये चार टूल्स के बारे में आपको आसानी से जानकारी हो गई होगी। अब चलिए हम आपको काइंड मास्टर को ओपन करके दिखाते हैं। वहां ओपन कर लेने के बाद आपको एडिट कैसे करना वहां पे हम आपको लेकर चलते हैं। सिंपली यहाँ पे हम अपने काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर लिए, उसके बाद सिंपली प्लस करेंगे क्लिक, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने में यह तीन ऑप्शन दे रहा है, सिंपली समझ गए। तो हमें यूट्यूब शॉर्ट्स वाली वीडियो के लिए बनाना है तो सिंपली 9:16 देख सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में यहाँ एडिटिंग करने का यहाँ टूल्स दे देगा। तो सिंपली इस तरह यहाँ चले आया। तो हमें सबसे पहले करना होगा क्या, जो हम फोटो को डाउनलोड किए हैं वो फोटो यहाँ पे लाना होगा। तो फोटो को लाने के लिए मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद हम डाउनलोड जहाँ पे किए हैं वहाँ पे है डाउनलोड वाला फोटो है, तो हम ये फोटो वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। सिंपली फोटो वाले सेक्शन पे आ जाने के बाद सिंपली यहाँ से हम करेंगे क्या, फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए बारीकी से हम क्या करते हैं, सारे के सारे यहाँ से फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब जितने मिनट का बनाना चाहते हो उतने मिनट का आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना, इस तरह फोटो सेलेक्ट कर लेना। आपको वीडियो क्रिकेट वाले वीडियो नहीं लेना है, वीडियो लेने से आपको जैसे किसी क्रिकेट वाले इमेज ले रहे हैं इससे आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आने की यानी
नहीं के मात्रा में आपको रहता है, यानी संभावना। अगर आप वीडियो यूज करते हैं क्रिकेट वाली, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने की संभावना 100% हो जाती है। तो आपको वीडियो यूज नहीं करना, ठीक ना, तो आपको फोटो यूज करना। तो इस तरह आपको पहले फोटो ले लेना, फोटो ले लेने के बाद सिंपली करना है क्या, इससे थोड़ा छोटा साइज कर लेना। जैसे मान लीजिए ये छोटा साइज है, बड़ा साइज है, थोड़ा सा इससे करना क्या, छोटा कर लेना ये फोटो को। इस तरह क्लिक करके इसको अपने उंगली की मदद से इसे छोटा कर लेना। चलिए इस तरह करके हम सारे का फोटो को छोटा कर लेते हैं। चलिए इस तरह कर लेते हैं। यानी आपको करना है क्या, अगर नए यूट्यूबर हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 14 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड तक आपको शॉर्ट्स वीडियो क्रिकेट वाली बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। तो आपको वायरल, आपके शॉर्ट्स जो वायरल होने की संभावना ये ज़्यादा काफ़ी मात्रा में कम, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो कम आपको यूज करना हर एक बार, यानी कम यूज करना, ज़्यादा यूज नहीं करना। तो इस तरह करके आपको करना है क्या, आपको शॉर्ट्स वीडियो ले लेना है, आपको देखना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। इस तरह हम ले लिए। उसके बाद हमें करना है क्या, अब इस पर हमें करना है क्या, ये फोटो जो यहाँ तक हो गया, अब हमें इसमें करना है क्या, वॉइस ओवर करना। तो वॉइस ओवर जो हम आपको पहले बताए थे कि गूगल से जो न्यूज़ है उसे आपको कॉपी करके रखना है, चलिए हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं ताकि हम आपको यहाँ पे वॉइस ओवर कर पाएँ। तो वॉइस ओवर करने के लिए सिंपली पहले हम वो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सामने में ले लेते हैं ताकि हम उसको बोल पाएँ, पढ़ के बोल पाएँ। चलिए हम स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेते हैं। चलिए ये वाला हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिए हैं। तो हम करेंगे क्या, इस स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह, जिस पे हम ये वॉइस ओवर करेंगे। ये एग्जांपल के लिए हम दिखा रहे हैं, इस पे हम वॉइस ओवर करने के लिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम बड़ा कर लिए। आप नोट पैड पर लिख रखना चाहते हैं ये न्यूज़ को, तो नोट पैड का पेड पर आप लिख के डायरेक्टली वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो सिंपली हम स्क्रीन पर ले लिए। उसके बाद हमें करना क्या, वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ वॉइस देख सकते हैं, वॉइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली हम चलिए यहाँ साउथ अफ्रीका में 8वें T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 10 फरवरी 2023 से होगी। टीम इंडिया टूर्नामेंट के ग्रुप टू में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और आयरलैंड के साथ है। इस तरह आपको वॉइस ओवर कर देना है। चलिए देख सकते हैं जितने मिनट का आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं उतने मिनट तक आपको वॉइस ओवर कर देना। तो सबसे पहले हमें करना कि ये हम वॉइस ओवर कर दिए, तो सिंपली ये स्क्रीन शॉट ऊपर से जो लगाए थे इसे हम डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए इस तरह हमें वॉइस ओवर इस पर हम कर दिए, वॉइस ओवर कर दिए। उसके बाद सिंपली करना क्या, ये वॉइस ओवर आपको हम सुना देते हैं किस तरह ये वॉइस ओवर हुआ। चलिए यहाँ पे हम प्ले करके सुना देते हैं। साउथ अफ्रीका में 8वें T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 10 फरवरी 2023 से होगी। टीम इंडिया टूर्नामेंट के ग्रुप टू में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और आयरलैंड के साथ है। इस तरह आपको वॉइस ओवर कर देना। वॉइस ओवर कर देने के बाद आपको पूरा का पूरा वीडियो में वॉइस ओवर कर देना। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से कम ही सेकंड का वॉइस ओवर किए हैं। चलिए यहाँ 15 सेकंड का ही वॉइस ओवर किए हैं। तो इसके बाद ये वॉइस ओवर हो गया। तो आपको करना है क्या, ये जो देख सकते हैं जैसे कि फोटो ये जूम आउट हो रहा है, तो जूम आउट होने के लिए सिंपली ये फोटो जूम आउट हो रहा है तो सिंपली सेम रोकना है। तो फोटो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, एडजस्ट का यहाँ देख सकते हैं, क्रॉपिंग का, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं माइनस वाला ऑप्शन बना हुआ, तो इस पर क्लिक कर देना। तो ये फोटो जो होगा ये आगे पीछे नहीं होगा, एक ही जगह पर रहेगा। तो इसके लिए सिंपली आप करना है क्या, इस तरह आपको करके, इस तरह अगर देखना चाहते हैं ऐसा ही रहना चाहते हैं तो ऐसा भी आप रख सकते हैं आसानी से। सिंपली अगर डिजाइन थोड़ा सा देना चाहते हैं, थोड़ा इफेक्ट देना चाहते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या, यहाँ माइनस का बीच में देख सकते हैं, वाइट कलर का देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना। उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन चले आएगा। सिंपली हम चलिए यहाँ से इफेक्ट आपको लगा के दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम इफेक्ट यहाँ से ये वाला ही ले लिए, फर्स्ट वाली ये वाला इफेक्ट है, ओके पे क्लिक कर दिए। तो इफेक्ट देखिए किस तरह ये चलेगा, सिंपली इस पर क्लिक किया, उसके बाद ये इस तरह ये इफेक्ट चलेगा, ये वाला फोटो आएगा, उसके बाद ये वाला फोटो। इसी तरह करके आपको करना क्या, फोटो को पहले जूम आउट को मैनेज कर देना, जूम आउट नहीं रहे इस तरह कर देना। उसके बाद सारी फ़ोटो को पहले बराबर में कर देना ताकि आगे पीछे फ़ोटो ना हो, इस तरह कर देना। चलिए इसे भी हम कर देते हैं, इस तरह कर देना। तो उसके बाद इसी तरह आपको करना है माइनस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, उसके बाद अपना एक डिजाइनिंग दे देना, यानी इफेक्ट लगा देना है, इस तरह इफेक्ट लगा देना, तो जैसे फ़ोटो चले भी तो थोड़ा बढ़िया लगे देखने में, इस तरह करके आपको लगा देना है। साड़ी में आपको इस तरह लगा देना है ताकि अच्छा लगे देखने में। चलिए ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरह देख सकते हैं, इस तरह इफेक्ट ये लग जाए। उसके बाद ऐसे इस तरह ये इफेक्ट ओपन हो गया। इस तरह का वीडियो भी आप इसी तरह आपको भी करना है, इस तरह ये होगा। तो इस पर वॉइस ओवर भी कर दिया और फोटो में एनिमेशन भी लगा दिए हैं, एनिमेशन भी इसमें ओपन कर दिए। चलिए देख सकते हैं एनिमेशन भी इसमें लग चुका है।
आपको अब करना है क्या, वॉइस ओवर भी हो गया, फोटो भी हो गया, उसके बाद आपको करना है इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए सिंपली यहाँ देख सकते हैं ऑडियो का बनाना हुआ तो ऑडियो पे क्लिक कर दें। ऑडियो पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में आपके गैलरी में आपके फ़ोन में जितने भी सॉन्ग हो गए, जो भी सॉन्ग आप कॉपीराइट फ्री वाला सॉन्ग अगर आप डाउनलोड करके रखें तो यहाँ आपके सामने में शो हो जाएगा कॉपीराइट फ्री वाला म्यूजिक, यहाँ आपके सामने में शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है वो म्यूजिक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो सिंपली ये वाला म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है, हम ये डाउनलोड करके रखे हैं, तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस म्यूजिक को जहाँ से हमें लगाना है वहाँ से हमें इस पार्ट को, जैसे एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे हम कट करके हटा देंगे म्यूजिक का। चलिए यहाँ से ये वाला म्यूजिक का एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये कट करके यहाँ ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम टू राइट। उसके बाद इसे स्क्रॉल करके खींच के यहाँ सामने की ओर लेके चले आए, इस तरह लेके चले आना है। उसके बाद आपको करना है क्या, ये म्यूजिक का जो साउंड है जी, जैसे मान लीजिए 15 सेकंड का हम वॉइस ओवर किए हैं तो इतने सेकंड का म्यूजिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ से इस म्यूजिक को एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देना है, ट्रिम टू राइट कर देना, ये कट करके म्यूजिक हट गया। उसके बाद आपको करना है म्यूजिक का साउंड जो है थोड़ा सा कम कर देना, म्यूजिक पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पीकर पे क्लिक करना है, उसके बाद इसे यहाँ 100% है इसे करके कम कर देना अपने हिसाब से, यानी बैकग्राउंड में म्यूजिक आप कितना सुनना चाहते हैं, कितना परसेंट में, कैसा धीमी गति से सुनना चाहते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से सुन के यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिए, उसके बाद देख सकते हैं इस तरह ये बन चुका है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं सुना के बैकग्राउंड में म्यूजिक। 10 फरवरी 2023 से टीम इंडिया टूर्नामेंट के ग्रुप टू में पाकिस्तान, इस तरह आपको वॉइस ओवर हो गया, फोटो भी हो गया, और फोटो में थोड़ा सा इमेजिंग भी एट्रेक्टिव भी हो गया, सारा डिजाइनिंग भी हो गया, उसके एनिमेशन भी हो गया। उसके बाद सिंपली ये मेरा शॉर्ट वीडियो बनके तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें करना क्या इस शॉर्ट्स को जो है यहाँ एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कर देने के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको वीडियो को एडिट करके अपलोड करना अपने चैनल पे, अच्छी खासी इस पे व्यूज आते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए वैसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट रह गया होगा तो हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।